हे हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा यूनिक है। जी हाँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे अपनी हार्ड अर्निंग मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। जी हाँ, नॉर्मली जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह रिव्यू करता हूँ, प्रोज और कॉन्स दोनों बताता हूँ, बट क्योंकि मार्केटिंग इतनी हाइप हो रखी है, पेड प्रमोशन, फेक प्रमोशन किया जा रहा है, कुछ रुपए देके यूट्यूबर से कुछ भी कहलाया जा सकता है, बट ये सब मैं नहीं करता हूँ, बट लोग कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। जी हाँ, हम यहाँ पे उन ट्रेडर्स की बात करेंगे जिनके मैंने पर्सनल रिव्यू किए हैं और मुझे वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, जी हाँ, अगर मैंने मान लीजिए 3,000 रुपये पे किए, 4,000, 5,000, 6,000 तक रुपीज़ पे किए, उनके अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पे क्वालिटी नहीं मिले, फंक्शन नहीं मिले, बैटरी बैकअप नहीं मिले, कॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटरी रनिंग वनिंग के हिसाब से अगर मुझे सही नहीं लगे थे, तो वो कौन कौन से ट्रेडर्स थे। सबके सब मैं यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊँगा। जी हाँ, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट आपको एक सिंपल सा आइडिया देने के लिए आई थिंक ये वीडियो सफिशिएंट है कि एक्चुअल के अंदर वो कौन कौन से ट्रेडर्स हैं जो आपसे ओवर हाइप, या फिर मैं कहूँ तो ओवर मार्केटिंग करके आपसे एक्स्ट्रा रुपीस वसूल लेते हैं, बट जब बात आती है यहाँ पे एक्चुअल वर्दीनेस की, कितने यहाँ पे जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से कितने वर्दी, कितने यूज़फुल है, उतने खरे उतर नहीं पा रहे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो इंतज़ार मत कीजिए, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअल के अंदर अभी एज पर 2020 हमने, जी हाँ, कौन कौन से ऐसे ट्रेडर्स देखे जो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से वर्दी नहीं थे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ ट्रेडर्स तो आपने ऑलरेडी परचेस करके आप यूज़ कर रहे हो और आपको उनके साउंड वगैरह पसंद भी आ रही हो, पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को गौर से सुनिएगा, देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ अच्छे थे, कहाँ पर बुरे थे, और वो सब जानने के बाद वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आप जज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये थे हमारे पास बॉट 381, 382। जी हाँ, बॉट के काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किए गए, बट क्वालिटी में से बहुत कम में देखने को मिली थी। उसमें था बॉट 381, 382, इवन यहाँ पे था एक मेवी ड्यूपोर्ट्स M20। दोनों की जो प्राइस रेंज है अप्रोक्स 2,000 से 3,000 के बीच में आते हैं और दोनों ही बैटरी बैकअप काफ़ी कम देते हैं, इवन जो साउंड की क्वालिटी वगैरह है वो भी इतनी सही नहीं दे रहे थे, बट फिर भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जिसने परचेस कर लिया है वो यूज़ कर लेते थे, बट मुझे यहाँ पे इनकी दोनों की क्वालिटी के अंदर बहुत बड़ा इशू देखने को मिला था। इवन यहाँ पे एक नॉइस का शॉर्ट्स नियो है, काफ़ी सारी क्वारीज भी आई थी मेरे पास इनके, ना तो मुझे साउंड अच्छा लगा, ना मुझे कनेक्टिविटी और ना ही मुझे बैटरी बैकअप कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, और ये बहुत बड़ा मनी वेस्टेज ऑप्शन मुझे लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इवन मंगाने के बाद भी इसके मैंने रिव्यू तक नहीं किए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा ही नहीं कि एक्चुअल में इसके रिव्यू करने चाहिए, साउंड वगैरह या फिर जो ओवरऑल एक कम्प्लीट पैकेज होता है उसमें एक दो डिपार्टमेंट के अलावा ये खरा नहीं उतर पा रहा था। तो ये नॉइस शॉर्ट्स नियो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा एक यहाँ पे लेनोवो ST20 था, प्राइस इसकी 3,500 के पास कुछ रहती है, और लेनोवो ST10 इससे पहले मैंने रिव्यू किया था, उसकी आवाज़ वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, APT सब कुछ देखने को मिला था, इवन कॉलिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं आप मैनेज कर पा रहे थे, बट लेनोवो ST20 बाद में लॉन्च किया गया, प्राइस 3,500 करके इसको लॉन्च किया गया था, बट जब बात आती है यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे ना तो मुझे साउंड अच्छी मिली, ना ही यहाँ पे जो उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह थी वो अच्छी देखने को मिल रही थी, तो मैं कहूँ तो 3,500 रुपये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ वेस्टेज था। जी हाँ, तो यहाँ पे लेनोवो ST10 डेफिनेटली अच्छा था, बट लेनोवो ST20 एक कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मनी था, फिर मैं कहूँ तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से सही ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पे भी उन्होंने जो मेरे रुपए थे वो वेस्ट करवा दिए थे। इसके अलावा क्रॉस बीट्स अर्बन 2020, जी हाँ, देखने में बहुत स्टाइलिश है, छोटी डिज़ाइन आती है और देखते लगेगा क्यों ना इनको डायरेक्ट परचेस कर लूँ, और मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था, बट रियलिटी की बात करें तो रियलिटी के अंदर ना तो मुझे इनका म्यूजिक एक्सपीरियंस, म्यूजिक के अंदर बेस मिल रहा था, बट जो बैलेंसिंग है वो नहीं मिल रही थी, और प्राइस 4,500 रुपये बहुत ज़्यादा होती है, बैटरी बिलो 3 आवर्स, इवन पहनने में कंफर्टेबल था, जो बटन था जब उनको आप टैप करते हो तो आपको ईयर्स में पेन वेन होता है, तो 4,500 के हिसाब से ना म्यूजिक था, ना कॉलिंग था, ना बैटरी थी, सिर्फ एक अच्छा खासा लुक था, तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा एक वेस्टेज ऑफ मनी ऑप्शन था। स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बेस मुझे डेफिनेट देखने में मिला था, बट मैंने यहाँ पे बात की है क्लियरिटी की। आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, 4,500 की रेंज के अंदर ये बोट 491 आपको देखने को मिल जाता है, और इसका फर्स्ट चीज़ बर्ड्स की डिज़ाइन बहुत अच्छी है, बट जो बॉक्स है बहुत बुरा, या फिर एक जो बॉक्स का डिज़ाइन होता है जो कहते हैं ना घर में एक बक्सा पड़ा होता है काले कलर का, वैसी डिज़ाइन दी गई है,
और देखने में बर्ड्स देखने में बहुत स्टाइलिश लगते हैं। स्पोर्टी लुक मैं कहूँ तो ये रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत स्पोर्टी लुक मिलेगा और फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है जैसे आप बर्ड्स के डिज़ाइन देखते हो। इवन यहाँ पे कंट्रोल्स के लिए प्रॉपर 4 बटन दिए गए, वॉल्यूम कंट्रोल्स इजीली सब कुछ कर सकते हैं, बट हर एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में डिपेंड नहीं होती है। बात आती है जब क्वालिटी की, जब इनको आप प्लग इन करोगे ईयर्स के अंदर इजीली कंफर्टेबल फिट हो जाएंगे, स्पोर्टी लुक डेफिनेटली है। और वो लोग जो चाहते हैं कि जिम के हिसाब से उन्हें कंफर्टेबल फिट मिल जाए, बेस्ट फिट रनिंग वनिंग के हिसाब से भी आपके ईयर से बाहर निकल के नहीं गिरे, उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है बोट 491। बट वेट, इतने बुरे मुझे क्यों लगे उसका आंसर भी सुन लीजिए। इसका जो म्यूजिक डिपार्टमेंट था बहुत ही बुरा परफॉर्म करता था। 4-4.5 पे करने के बाद भी अगर आपको जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है वो 2000 रुपये वाले टी डब्ल्यू के इक्वल मिलता है तो वो कैसा फील होगा। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली थी, लुक बुक दिखाने के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत बुरी दी गई थी। इवन जो कॉलिंग एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा नहीं था। आउटडोर के अंदर नॉइज़ का ऐसे सब कुछ देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे साउंड जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टी डब्ल्यू की, और आप यहाँ पे 4-4.5 रुपये इतने ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं और आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस ढंग का ही नहीं मिले, ना क्लियरिटी मिले, ना आपको बेस वगैरह मिले। लाउडनेस और बेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और ये चीज़ इसको समझनी चाहिए थी और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था बोट 491 ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉइज़ शॉर्ट्स X5 या फिर उसको आप X5 चार्ज भी कह सकते हैं। जी हाँ, प्राइस अभी इसकी एट प्रेजेंट 4,500 रुपये हो रखी है और ये भी एक ऐसे टी डब्ल्यूज थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डिसेटिस्फाई था। पहला रीज़न, इसकी जो बैटरी डिपार्टमेंट थी वो बिलो 3-4 आवर्स थी, जो कि मैं कहता हूँ कि आप जब भी परचेज़ कीजिए 4,500 पे करने के बाद भी आपको इतना कम बैटरी बैकअप मिलता है सही नहीं है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे बटन्स, जी हाँ, जो टच पैड है वो नहीं मिलता है, कंट्रोल्स के लिए आपको बटन मिलते हैं और बटन्स इतने हार्ड थे, अगर आपने यहाँ पे अपने ईयर्स में प्लग इन कर लिया फिर आप टैप करते हो म्यूजिक को चेंज करने के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ईयर्स को पेन वगैरह होता है और आप हो सकता है 1 या 2 दिन बाद ही यूज़ करना ही बंद कर दे, इतने ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। और आप 4,500 रुपये वसूल रहे हैं, उसके अंदर आप जो कंट्रोल्स पैनल इतना आपको यहाँ पे पेनफुल दिया गया है जिसकी हद नहीं है, सेकंड बैटरी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, थर्ड कॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी ये सब आप यहाँ पे फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। इवन JBL C100 लेनोवो ऐसे 10 भी है जिनके अंदर बटन्स मिलते हैं, बट वो बटन्स हैं स्मूथ है, इतने पेनफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा उनमें जो बैटरी वगैरह है, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैं इतने ज़्यादा अमाउंट पे ही क्यों करूँ जब मेरे पास ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे अदर ऑप्शन अवेलेबल है। और हो सकता है कि आप खुद भी यहाँ पे 1 या 2 दिन बाद कंट्रोल्स पैनल को यूज़ करने बाद आप खुद इनको यूज़ करना बंद कर दें तो बहुत बड़ी आपकी अमाउंट वेस्ट हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पास एक्समेट के गस्टो हैं, जे एक्समेट गस्टो और गस्टो लाइट दोनों आए थे, बट ये जो गस्टो थे आई थिंक 2500 रुपीज़ समथिंग कुछ थे, गस्टो लाइट 1800 रुपये समथिंग थे। गस्टो लाइट मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे, जो गस्टो थे इतने अमाउंट पे करने के बाद भी मुझे ना तो उनका म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा लगा, इवन यहाँ पर टच पैड दिया गया था जी हाँ, बट यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह था थोड़ा यूनिक करने के चक्कर में उन्होंने बिगाड़ दिया था। इवन जो म्यूजिक एक्सपीरियंस था वो भी मुझे बहुत ही अजीबो गरीब लगा था। कुछ ट्राई नया किया गया जी हाँ, डेफिनेटली अच्छा किया गया था, बट जब रियलिटी की बात आती है तो म्यूजिक एक्सपीरियंस ही ढंग का नहीं दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने वर्दी नहीं थे और 2500 रुपये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट चार्ज की गई थी। इवन जो गस्टो लाइट थे जो 1800-1700 कुछ आ रहे थे वो इन 2500 रुपये वाले से अच्छी साउंड दे रहे थे और मेरे हिसाब से साउंड आपकी बेसिक नीड होती है। अब बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट और देखने में आपको एक स्टाइलिश सा कूल सा मेकअप किट देखने को लगता है। तो पहली जगह हम जेंडर वाइज बात करते हैं तो फीमेल डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको पसंद आ सकता है, बट मेल जी हाँ बॉयज़ वगैरह है उनको ये पसंद नहीं आने वाला। डिज़ाइन बहुत ही अजीबोगरीब, जी हाँ मुझे बहुत बुरी लगी थी पर्सनली बात करूँ। ये जो मेकअप किट था ऐसा लगता है जैसे कोई 400-500 का आपने लोकल मार्केट से चाइनीज़ आपने ये ट्यूब्स परचेस कर लिया हो और आपको सस्ते के अंदर, जी हाँ जब आपको ज्यादा नॉलेज होती नहीं है कि एक्चुअल मार्केट में कैसे कैसे ट्यूब्स आते हैं, ये डिज़ाइन आपने परचेस कर ली और आपको कुछ ऐसी डिज़ाइन दे दी गई थी। प्राइस सबसे बड़ा सेगमेंट यही था कि इसकी 5,500 रुपये प्राइस पे तो कर दी गई है, बट जब बात आती है म्यूजिक एक्सपीरियंस की, जी हाँ डिसेंट था, मैं ऐसे नहीं कहूँ बुरा था, बट आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे कम प्राइस के अंदर भी इससे काफ़ी अच्छे साउंड देने वाले आपको यहाँ पे टीडोस अवेलेबल हैं। बात करता हूँ JBL C100 था, इवन लेनोवो SC10 था, इवन Realme Buds Air भी इससे अच्छे साउंड वगैरह देता था। ना तो मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया, ये जो लोकल सा चाइनीज़ प्रोडक्ट वाला जो डिज़ाइन था, ना तो मुझे ये पसंद आया, साथ ही जो इसका म्यूजिक डिपार्टमेंट था वो मुझे पसंद नहीं आया था। और इवन अगर आप यहाँ पे 5,500 रुपये 6,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हो
और आपकी बेसिक नीड ही यहाँ फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, ना तो आप इनको ऐसे गेमिंग टीयर्स या यूज़ कर पा रहे थे, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है। और 5,500-6,000 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइस होती है। जब आपको 4,000 से कम के अंदर इससे अच्छे टीयर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इस डिज़ाइन वाले टीयर्स रिकमेंड करोगे ही क्यों? और चलिए एक पोल करते हैं। एग्जैक्टली 10 मिनट 10 सेकंड पे एक पोल आएगा। जी हाँ, आई ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आ जाएगा। आपको बता रहे हैं कि क्या आप यहाँ पे जो डिज़ाइन दी गई है, जो चार्जिंग केस की डिज़ाइन दी गई है, मेकअप किट वाले डिज़ाइन, क्या आपको पसंद आई है? जी हाँ, आप खुद यहाँ पे चूज़ करके बताइएगा आपको उसकी डिज़ाइन कैसे लगी है, आप इसको रिकमेंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत बुरी लगी थी और मुझे नॉलेज है कि मार्केट में कितने स्टाइलिश चेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट प्लीज़ पॉल में पार्टिसिपेट कर लीजिए अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और टीयर्स की। मेरे पास बोट 431 है और जब मैंने परचेज़ किया था इसकी प्राइस 3,000 रुपये समथिंग थी और देखने में बहुत स्टाइलिश थे। जी हाँ, जो फिनिशिंग वगैरह बड़ी अच्छी दी गई है, बट यहाँ पर आपको पहली चीज़ कंट्रोल्स में आपको टच पैड नहीं मिलता है, बटन्स देखने में मिलते हैं। सेकंड, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा था और ये भी आपके ईयर्स के लिए काफ़ी पेनफुल होते थे, तो इसलिए मैं इनको भी रिकमेंड नहीं करता था। बट प्राइस ज़्यादा नहीं थी, 3,000 रुपये समथिंग कुछ। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। जी हाँ, ऐसे नहीं कि लिस्ट यहीं ख़त्म हो गई है, बहुत सारे टीयर्स मार्केट में अवेलेबल है। सबके जब मैं रिव्यू करता हूँ आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताता हूँ, तो आप चेक करते रहिए। जी हाँ, जैसे जैसे मैं नए नए अनबॉक्सिंग करता हूँ पुराने वीडियोज़ चेक कर लीजिए अगर आपको टीयर्स लेना ही है, और उसके बाद ही सोच समझने के बाद ही, प्रोज और कॉन्स जानने के बाद ही, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग टीयर्स परचेस कीजिए, ना कि सिर्फ किसी को भी सुन के कुछ भी देखने के बाद ही। पहले डिसाइड कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सोचने समझने के बाद ही अपना डिसीजन फाइनल कीजिए, क्योंकि एक बार आपने अपने हार्ड अर्निंग मनी को स्पेंड कर दिया उसके बाद वापस आने के चांस बहुत कम होते हैं। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जी हाँ, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट जिनकी प्राइस चाइना के अंदर बिलो 1,000 रुपीज़ है, वो अपना खुद का ब्रांड नेम उसमें ऐड करती है, देन इंडिया के अंदर 3,000-4,000-5,000-6,000 तक के वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, कैसे ना कैसे करके आप लोगों को प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाए, चाहे क्वालिटी मिले ना मिले। आपने अगर उनका प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उसके बाद उनकी जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो इतनी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है कि आपकी जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगी, तो एट द एंड आपको कैसे ना कैसे उन्हीं का वही प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, सोचने समझने के बाद ही अपने खुद की कमाई हुई हार्ड अर्निंग मनी को इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत कम यूट्यूबर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, सबके सब आपको जो भी मैंने आपको दिखाए हैं खुद की अपनी कमाई हुई मनी से परचेज किया था, नुकसान हुआ है, बट एज ए यूट्यूबर मुझे ऑलरेडी पता था कि इतना नुकसान हो सकता है, तो इतनी बड़ी बात है नहीं, आप लोगों के लिए इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ। और ये था आज का ओवरऑल वीडियो। इवन इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है तो आप किसी भी टाइम पे हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक अ प्रो नाम से बना हुआ है, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार मत कीजिए, जी हाँ, अभी के अभी स्मार्ट लाइक अ प्रो चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। आज के बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।